Hello guys, today I will share you left binding and web binding. But now, उससे पहले आपको मैं पिछली क्लास में शेयर कर चुकी हूँ ड्रम बाइंडिंग. ड्रम बाइंडिंग के दो पार्ट होते हैं, एक लैप होता है और एक वेब बाइंडिंग होती है. लैप बाइंडिंग होती है जो कि क्लोज्ड होती है, एक दूसरे से क्लोज्ड होती है, ठीक है. इसमें जो होता है ये फ्रंट एंड होता है और ऊपर वाला जो होता है वो बैक एंड होता है. इसमें इसको हम कहेंगे फ्रंट एंड, इसे हम कहते हैं बैक एंड. अब ये जो फ्रंट एंड है बैक एंड है, ये फ्रंट एंड जो हमारा है किससे कनेक्टेड रहता है, ये कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहता है. ये जो हमारे दो सक्सेसिव कॉइल हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या हम कहते हैं, कम्यूटेटर पिच. इसे हम कहते हैं कम्यूटेटर पिच. नेक्स्ट है आपका फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट पार्ट, और जो ये फर्स्ट कॉइल है फर्स्ट कॉइल का लास्ट पार्ट उसे हम कहते हैं बैक पिच. और जो सेकेंड कॉइल का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट कॉइल का लास्ट पार्ट उसे हम कहते हैं फ्रंट पिच. ये हमारा होता है फ्रंट पिच. और रिजल्टेंट क्या होता है, ये हमारा रिजल्टेंट है वाई आर. तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, वाई आर इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक वाई की डिस्टेंस माइनस YF. ये हमारा होता है रिजल्टेंट वैल्यू. यही होती है हमारी लेफ्ट बाइंडिंग जो कि हम अपने DC मशीन्स में करते हैं, जहाँ आर्मेचर बाइंडिंग में. और इसके कुछ पॉइंट्स हैं मेन, जो हम बैक पिच और फ्रंट पिच जो होती है वो मस्ट बी ऑड होती है. इसका जो रिजल्टेंट है वो मैंने आपको निकाल के बता चुकी हूँ कि वाई आर इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ. टू एम यहाँ पे क्या है, मल्टीसीप्लिटी. ये हमारा मल्टीसीप्लिटी है. इसमें अगर हम m इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो सिंप्लेक्स होगा, m इज इक्वल टू 2 होगा तो डुप्लेक्स होगा, और m इज इक्वल टू 3 होगा तो वो ट्रिप्लेक्स होगा. वाई आर जो हमारा रिजल्टेंट है वो कैसा है, इवन है. बिकॉज क्योंकि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर के बीच के डिफरेंस के कारण जो हमारा रिजल्टेंट है वो कैसा है, इवन है. द ब्रश पोजिशन एंड द नंबर ऑफ ब्रशेज सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोल्स. जो हमारा ब्रश है वो सिग्निफिकेंटली इस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पोल्स पर. आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ ब्रशेज द आर्मेचर इज डिवाइडेड इंटू पैरेलल पाथ. हमें आर्मेचर को दो पैरेलल पाथ में डिवाइड कर देते हैं. नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स इंटू मल्टीसिप्लिटी. इन ऑर्डर टू ऑप्टेन symmetry especially in double layer back pitch front pitch should be prefer odd number. ये जो हमारी front pitch और back pitch है, ये हमारी back pitch होती है, हमारी front pitch preferably odd number होनी चाहिए. क्योंकि जो हमारा ये जो हमने फ्रंट पिच और बैक पिच का इसका रिजल्ट निकाला है वो किसके कारण निकला है, क्योंकि दो हमारी ऑड नंबर हैं इस वजह से हमने ये निकाला है. तो ये हमारा मस्ट भी क्या होना चाहिए, ऑड होनी चाहिए, बैक पिच और फ्रंट पिच. एज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज विथ नंबर ऑफ पोल्स लेफ्ट बाइंडिंग नेचुरली कंटेन मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. मतलब जब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज होंगे उसके साथ ही नंबर ऑफ पैरेलल पोल्स भी इंक्रीज होंगे, जिससे कि नंबर ऑफ पैरेलल पोथ
ज़्यादा से ज़्यादा में हम कंटेन कर पाएंगे, और इसी को ही हम कहते हैं पैरेलल वाइंडिंग, इसी को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल वाइंडिंग। नोट है आपके लिए, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग मशीन। नेक्स्ट है आपका इक्विलाइजर रिंग। इक्विलाइजर रिंग, इक्विलाइजर रिंग होती क्या है, इसका यूज़ क्या करते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और ये काहे किस लिए यूज़ होती है। तो ये हमारी होती है इक्विलाइजर रिंग, ये हमारी पूरी होती है इक्विलाइजर रिंग। जो ये इक्विलाइजर रिंग होती है वो सॉलिड कॉपर कंडक्टर की बनी होती है, सॉलिड कॉपर कंडक्टर की बनी होती है। और जो ये वाइंडिंग है इसमें ये 360 डिग्री के डिफरेंस में इसमें है ना पोल वो ये होती है, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है 360 डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक, तो 360 डिग्री के डिफरेंस में ये बनी होती है। और इसमें जो है ये कॉइल आपकी, ये जो ये कॉइल है ये यहाँ से इस तरह से कनेक्ट होती है इस कॉइल से, इसी को हम कहते हैं इक्विलाइजर रिंग। और ये जो कनेक्ट रहती है वो हमारे बैक एंड से कनेक्ट होती है, जो हमारा बैक एंड होता है उससे कनेक्ट होती है आर्मेचर में, जो हमारी वाइंडिंग्स होती है उसमें बैक एंड से ये कनेक्टेड रहती है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जब हमारे सर्किट में, मतलब जो हमारा ये हमारे कंडक्टर हैं वो पैरेलल पाथ में लगे होते हैं, तो इन जब कंडक्टर के पैरेलल पाथ, मतलब जो कॉइल है हमारी इन कॉइल्स के पैरेलल पाथ में कोई भी अनबैलेंस होता है, तो उस अनबैलेंसिंग की वजह से, जो ये अनबैलेंस होता है तो उस अनबैलेंस की वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है। कौन सा करंट फ्लो होता है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। उस करंट, सर्कुलेटिंग करंट की वजह से क्या होता है, हमारे इसमें एक हीट प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे स्पार्क हो सकता है कम्यूटेटर में, जो हमारा कम्यूटेटर होता है उससे स्पार्किंग होगी तो हमारा जो है सर्किट वो डैमेज हो जाएगा। उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम इस इक्विलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं, उस स्पार्क को रिड्यूस करने के लिए हम इक्विलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं। ये आपके इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज़ अ थिक सॉलिड कॉपर कंडक्टर टैप्ड टू इक्विपोटेंशियल कॉइल। एक हमारा थिक सॉलिड कॉपर कंडक्टर कॉइल होती है जो कि टैप्ड होती है इक्वी पोटेंशियल कॉइल, विच आर डिस्प्लेस्ड बाय 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री और ट्वाइस द पोल पिच डिस्टेंस लोकेटेड एट द बैक एंड ऑफ द आर्मेचर। ये 360 डिग्री के इलेक्ट्रिकल डिफरेंस में लगी होती है, और इसका ये जो ये कनेक्टेड होती है वो बैक एंड से कनेक्टेड होती है आर्मेचर के। ड्यू टू एनी अनबैलेंस इंड्यूस EMF इन एनी ऑफ द पैरेलल पाथ सर्कुलेटिंग करंट फ्लो, मतलब जब कोई भी अनबैलेंस होती है इंड्यूस EMF में, तो पैरेलल पाथ, जो हमारा पैरेलल पाथ होता है उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है, जिससे कि विच इंटरफेयर विथ कम्यूटेशन एंड प्रोड्यूस अनवांटेड स्पार्किंग। जो क्या करता है, हमारे कम्यूटेशन में एक स्पार्किंग प्रोड्यूस कर देता है, अनवांटेड स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। ये जो होता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल P/2। ऑल द इक्विपोटेंशियल कॉइल आर टेप्ड टू इंडिपेंडेंट इक्विलाइजर रिंग वेयर द मशीन आर 100% इक्विलाइज जनरली। ये मशीन जो होती है हमारी 100% मतलब रिड्यूस कर देती है जो भी हमारा हीट जनरेट करता है। रिड्यूस डिज़ाइन कॉम्प्लिकेशन, मतलब डिज़ाइन जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है एट द बैक एंड
और ये बैक एंड से कनेक्ट होती है। इक्विलाइजर रिंग आर रेस्ट्रिक्टेड 10 to 12, एनी सर्कुलेटिंग करंट विल बाईपास थ्रू दैम लोकेटेड एट द बैक एंड एंड डज नॉट इंटायर इनटू द ब्रश टू इंटरफेयर विद कम्यूटेशन इन द फ्रंट एंड। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है, कैसा होता है, तो आई होप कि आपको समझ में आए हो अच्छे से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग क्या होती हैं? वेव वाइंडिंग वो होती हैं जो वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जो वेव वाइंडिंग के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो दो पैरेलल पाथ होते हैं, एक वन और एक टू, दो पैरेलल पाथ होते हैं। सेकंड, ये क्लोज्ड पाथ नहीं बनाती हैं, हमारी जो लेव वाइंडिंग होती है वो क्लोज्ड बनाती हैं। इसमें जो हमारा होता है, हमारा जो होता है बैक पिच, बैक पिच हम किसे कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट कॉइल का लास्ट पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, बैक पिच। और जो हमारा फ्रंट पिच क्या होता है, हमारा सेकंड कॉइल का फर्स्ट पार्ट और नहीं सॉरी सेकंड कॉइल का फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड कॉइल, हमारी सेकंड कॉइल का फर्स्ट पार्ट, और ये जो हमारी फर्स्ट कॉइल है फर्स्ट कॉइल का लास्ट पार्ट, उसे हम कहते हैं फ्रंट पिच। ये हमारी होती है फ्रंट पिच, ये हमारी होती है बैक पिच, सॉरी, ये हमारा होता है और जो दो सक्सेसिव कॉइल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये हमारे दो सक्सेसिव कॉइल के बीच का डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं YC, मतलब कम्यूटेटर पिच। ये होता है हमारा कम्यूटेटर पिच। और जो हमारा रिजल्टेंट होता है, इसका रिजल्टेंट होता है YR YB प्लस YF, और इसका एवरेज पिच जो होता है, एवरेज पिच होता है YB प्लस YF इज इक्वल टू यू गेट Z प्लस माइनस 2/T। ये कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट, पहला नोट है हमारा, इन वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम नंबर ऑफ पोल्स बट डिपेंड ऑन मल्टीसिप्लिटी, मल्टीसिप्लिटी पर डिपेंड करते हैं। इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर हाई वोल्टेज लो करेंट रेटिंग मशीन। और ये जो हमारा एवरेज पिच है, ये वेव वाइंडिंग का एवरेज पिच क्या होता है, जेड प्लस माइनस 2/P, ये फॉर्मूले में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, आपको याद रखना है। जो हमारा एवरेज पिच था DC वाइंडिंग में वो क्या था, Z/P, हमने निकाला भी था मल्टीसिप्लिटी में Z/P, और ये हमारा वेव एवरेज पिच है वेव वाइंडिंग का, ये लेव वाइंडिंग का। नेक्स्ट आपका होगा ड्रम कॉइल और उसी के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।